है दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आप सब आज इस वीडियो में देखेंगे एक अनलिमिटेड जिसके थ्रू पर अकाउंट पर नंबर पास एक्टिव 50 रुपये का पेटीएम कैश। तो दोस्तों, आपके पास जितने भी मोबाइल नंबर है आप उतना नंबर से 50 रुपये करके पेटीएम कैश पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप सब उस लिंक को क्लिक कर जाना हो सकते हैं, वरना टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं @शुभ्रांशुनाथ, देन आप सबको हमारे चैनल मिल जाएगा, आप सब उसके थ्रू जान सकते हैं। दोस्तों, वीडियो का ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट का होने वाला, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आप सबको प्ले स्टोर से भीम और लाइट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद थंडरपोर्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा क्योंकि ये मेन एप्लीकेशन है, ओरिजिनल एप्लीकेशन। देन यहाँ पे ये जो रेफर के लिए भीमोस एप्लीकेशन है, और जो और रेफर के लिए यहाँ पे चाहिए सेकेंड लाइन एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आप सबको ये तीनों एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों, चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंस्टॉल होने के बाद यह से आपको फ़ोन के ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों, फोन के ऊपर जैसे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे कंट्री कोड 91 देना होगा, देने पासवर्ड देने के बाद OTP वेरीफाई करना होगा। दोस्तों, OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको जीमेल एंटर करना होगा, देन सारी परमिशन अलग करना होगा। दोस्तों, देन आपको यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन में जाना होगा, देन सेटिंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हाफ वे इन्वाइट कोड। दोस्तों, ये अगर आप नहीं करते तो आप रेफरल के लिए एलिजिबल नहीं हो। देन यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर और मेरे डिस्क्रिप्शन पे आपको रेफरल कोड मिल जाएगा, देन आपको वो सबमिट करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, रेफरल कोड को सबमिट करना होगा। दोस्तों, सबमिट करने के बाद होने तक आपको वेट करना होगा। देखिए फ्रेंड, जैसे सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा, देन आपको दोस्तों यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ऊपर लोडिंग ले रहा है, तो आपको वेट करना होगा क्योंकि उसका ट्रैफिक बहुत जाम है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना होगा, जैसे लोडिंग खत्म हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं विन 50 पेटीएम कैश। दोस्तों, यहाँ पे आपको उसके ऊपर टैप करना होगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे शो कर रहा है रिवार्ड 50, देन आपको उसके ऊपर टैप करने के बाद उसका टर्म्स एंड कंडीशन आप सब पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको गॉट रेट के ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों, गॉट रेट के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको मोर रिवार्ड चैलेंज नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों, उसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आप सब देख सकते हैं टाइम लेट है, और यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे सिर्फ 5 घंटा है, तो आपको यहाँ पे जॉइन नाउ के ऊपर टैप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ड्यूरेशन होगा 1 डे 6 आवर आपको रेफरल करने के लिए, देन जॉइन नाउ के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आपका रेफरल कोड एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देन आपको क्या करना है कि आपके रेफरल कोड को कॉपी कर लेना होगा। देखिए, यहाँ पे आपको 5 ही फ्रेंड को रेफर करना होगा, रेफर करने के बाद आपको 50 रुपये पेटीएम कैश मिल जाएगा। दोस्तों, रेफरल कोड आपको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म में पेस्ट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मैं अभी व्हाट्सअप में मेरा रेफरल कोड और रेफरल लिंक कॉपी करके रखा हूँ। देन यहाँ पे आपको क्या करना है कि होम पे आना है होगा। दोस्तों, होम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड लाइन एप्लीकेशन में एक नंबर क्रिएट करना होगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको भीमोस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। दोस्तों, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, जिन आपको स्लाइड करने के बाद यहाँ पे एंटर भीमोस के ऊपर टैप करना होगा, देन यहाँ पे ऑन के ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों, ऑन के ऊपर टैप करने के बाद जैसे आपको परमिशन अलाउ करना होगा। दोस्तों, देन यहाँ पे तो 18 के ऊपर टैप करना होगा क्योंकि इसके साथ बहुत सारे रेफर कर सकते हैं और इस आपको भी रेफर करेंगे। दोस्तों, देन यहाँ पे तो 18 के ऊपर टैप करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, देन यहाँ पे आपको वेट करना होगा। दोस्तों, रोम इंस्टॉल होने के बाद आप सबको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको वेट करना होगा, ये आपको 13 मिनट से 15 मिनट तक वेट करना होगा। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल में एक और मोबाइल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मेरा अभी हो गया 86%। दोस्तों, देन यहाँ से आपको प्ले स्टोर के ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं आपका मोबाइल के अंदर एक और मोबाइल क्रिएट हो गया, देन आपको प्ले स्टोर के ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों, जैसे ही आप प्ले स्टोर के ऊपर टैप करोगे, देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, देन आपको क्या करना है कि कैंसिल अपडेट के ऊपर टैप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे मिल जाएगा आपको कैंसिल अपडेट, देन आपको यहाँ पे साइन इन के ऊपर टैप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन इन के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ से आप अपना खुद का जीमेल आईडी से साइन इन करना होगा। दोस्तों, जीमेल आईडी साइन इन होने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि उसका प्ले स्टोर से थंडरपोर्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। दोस्तों, इंस्टॉल होने तक आपको वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा लेट होगा। दोस्तों, देखिए एक्सेप्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि उस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा फाइनली इंस्टॉल हो गया, देन आपको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, देन आपको उसका लोगो मिल जाएगा, आपको वेट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली उसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ से आप सब देख सकते कुछ इस तरह इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, देन यहाँ से आपको फ़ोन के ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों, फ़ोन के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको आपका इंडियन नंबर एंटर करना होगा। दोस्तों, आप सबके मन में डाउट होगा कि यहाँ पे रेफर बाईपास के लिए वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे इंडियन नंबर क्यों। दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपली एक ही इंडियन नंबर यूज़ करना होगा, इस इंडियन नंबर के तो बहुत सारा रेफर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेम एंटर करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है कि कंट्री कोड +91 करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, बैक करने के बाद ये जो 86 है उसको +91 करने के बाद यहाँ से आपको कोई भी एक इंडियन नंबर देना होगा क्योंकि उसमें एक OTP जाएगा,
तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक इंडिया नंबर देना होगा और यहाँ पे एक पासवर्ड देना होगा, देन आपको यह प्रोसीड के ऊपर टाइप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, देन आपका जो इंडिया नंबर दिया था उसमें एक OTP आया होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस OTP को यहाँ पे एंटर करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, OTP वेरीफाई करना होगा। दोस्तों यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मेरा फाइनल OTP आ गया। देन यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे टैप करना, जैसे सबमिट बटन पे टैप करके कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको वेट करना होगा क्योंकि बहुत उसका साइट बहुत स्लो है। दोस्तों यहाँ पे आपको देन साइट परमिशन अलाउ करना होगा। देन यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका जीमेल आईडी सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद आप सबको वेट करना होगा क्योंकि उसका सर्वर बहुत डाउन है। देन यहाँ पर आप सब देख सकते लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद जैसे आपको सारी परमिशन अलाउ करना होगा। देन यहाँ पे आप सबको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। देन यहाँ से आपको आपका जो रेफरल कोड जिस जगह पे पेस्ट किया था या टाइप करके रखा था, आपको उस रेफरल कोड को कॉपी करना होगा या याद रखना होगा। दोस्तों याद करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से वीमोस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, वीमोस एप्लीकेशन को ओपन करने का नीचे कॉर्नर में प्रोफाइल सेक्शन है, आपको उस प्रोफाइल सेक्शन पे के ऊपर टैप करने के बाद कॉर्नर में जो ऊपर कॉर्नर में जो है सेटिंग है, आपको सिंपली ऊपर कॉर्नर में जो सेटिंग है आपको उसके ऊपर टैप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, उसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, हैव ए इनवाइट कोड, देन आपको उसके ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों उसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको जो रेफरल कोड मिला था आपका ओरिजिनल एप्लीकेशन था, वो रेफरल कोड को यहाँ पे टाइप करके एंटर करना होगा या पेस्ट करना होगा, देन सबमिट बटन पर टैप करना होगा। तो क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे सबमिट कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा है क्योंकि मेरा एक रेफरल सक्सेसफुल हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं रेफर सक्सेस यू गॉट ए समथिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों चले उस मेन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मेन एप्लीकेशन है, चले देखते हैं मेरा एक रेफर सक्सेसफुल काउंट हुआ या नहीं हुआ। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ जिस तरह इंटरफेस मिल जाएगा। देन यहाँ से आपको वेट करना होगा क्योंकि एप्लीकेशन ओपन होने के बाद देन यहाँ पे आप सब देखिए जॉन चैलेंज के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ से वन रेफर सक्सेसफुल हो गया। देखिए नीचे देख सकते हैं 1 out of 5 फ्रेंड्स जॉन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका नाम शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे मुझे बता रहा है कि और 4 रेफर करना होगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे आपका 5 रेफर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लेम ऑप्शन, क्लेम के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ से आप अपना पेटीएम नंबर देके क्लेम कर सकते हो। दोस्तों अगर आप सब सोच रहे हो कि अभी रेफर सक्सेसफुल हो गया तो आपको रेफर सक्सेसफुल नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, वीमोस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। देन यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के ऊपर टैप करना होगा। देन यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका जो इंडिया नंबर है, आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपका US वाला नंबर एंटर करना होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप सब बैक होता तो ये बैक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद फिर से वो अकाउंट डिटेल्स के ऊपर जानना होगा। देखिए मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के ऊपर जानना होगा। देन यहाँ से आप सबको एडिट के ऊपर जानना होगा मोबाइल नंबर। तो दोस्तों देन आप क्या करो, यहाँ पे आप सब देख सकते जो फ्लैग ऑप्शन आपको उसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे जो चाइना है आपको उसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना होगा। देन यहाँ पे आपको सर्च करना होगा, मतलब नीचे स्क्रॉल करके देखना होगा कि यूनाइटेड स्टेट कहाँ पर है। दोस्तों यहाँ पे आप सब देख सकते, मैं अभी नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको वेट करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट ये करना होगा। दोस्तों जैसे ही आपका 5 रेफरल कंप्लीट हो जाएगा उसका बाद 1 day 6 hours के बाद आप क्लेम कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते अभी यूनाइटेड स्टेट हो गया। दोस्तों यहाँ पे फ्लैग चेंज नहीं हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे कैंसिल का अपोजिट में जो है नीचे सिलेक्ट है, दोस्तों आपको उसके ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक करने के बाद यहाँ पे जिस आपके थ्रो US नंबर क्रिएट किया था सेकंड लाइन एप्लीकेशन या टेस्ट लाइन एप्लीकेशन, सिंपली आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड जो 3 dots है आपको उसके ऊपर टैप करना होगा और उस नंबर को कॉपी करना होगा। दोस्तों नंबर को कॉपी करने के बाद आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको फिर से आपका जो वीमोस एप्लीकेशन है आपको उस वीमोस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। आपको फ्लैग के ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों फ्लैग के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट करना होगा और नीचे राइट साइड नीचे कॉर्नर में जो सिलेक्ट ऑप्शन है आपको उस सिलेक्ट ऑप्शन पे टैप करना होगा। देन मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सबमिट के ऊपर टैप करना होगा। दोस्तों देन यहाँ से आपका जो ओनली US नंबर से एक OTP आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा नंबर पे OTP आ गया 8799। दोस्तों देन आपको उस OTP को यहाँ पे एंटर करना होगा 8799, देन सबमिट बटन पे टैप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको क्या है कि आपका इंडिया नंबर डिलीट हो गया और US नंबर ऐड हो गया। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको क्या बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको वीमोस एप्लीकेशन का जो डाटा है आपको उसका डाटा को क्लियर करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप इन्फो पे क्लियर करने के बाद या सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे वीमोस एप्लीकेशन को डाटा को क्लियर करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करके क्लियर करना होगा। अगर आप लॉगआउट करोगे तो ये रेफर बाईपास नहीं होगा। दोस्तों क्लियर करने के बाद फिर से आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, फिर से उसका रोम इंस्टॉल करने के बाद फिर से आप सेटअप करके और भी रेफर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओके के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे फिर से
वो स्टेप दोहराना होगा, उसके बाद टू ऑथराइज के ऊपर टैप करने के बाद उसका रॉम इंस्टॉल करना होगा। देखिए मैंने परमिशन अदला को देने के बाद फिर से वो प्रोसेस दोहराने के बाद आप अनलिमिटेड अप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों सिंपली रिडीम करने के लिए आपको वो आपका ओरिजिनल आपको ओपन करना होगा और नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा जॉइन चैलेंजेस, देन आपको उसके ऊपर टैप करना होगा। देखिए फ्रेंड्स उसके ऊपर टैप करने के बाद जैसे आपका 5 रेफरल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि क्लेम के लिए। दोस्तों इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लेम, जैसे आपको क्लेम के ऊपर टैप करते हो तो देन आपको आपका पेटीएम का नंबर देने के बाद आप क्लेम करने के बाद इंस्टेंटली आपके पेटीएम में ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 5 फ्रेंड सबसे पहले रेफर कंप्लीट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे टाइम मिले कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो, बाय बाय।